नमस्कार, मैं विदेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ HP शिक्षा चैनल पर। तो सुबह के तरों ताज़ा खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह के मुख्य समाचार। अब देश के गर्म इलाकों में भी होगा हिमाचल की कांगड़ा चाय का उत्पादन। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर अब चाय में किसानों की आर्थिकी मजबूत करेगा। विश्वविद्यालय चाय का उत्पादन बढ़ाने के लिए चाय गैर पारंपरिक क्षेत्रों में चाय की खेती पर शोध करके इसके विकास गतिविधियों पर अपना काम करेगा। इसके लिए अभियान चलाया जा रहा है। आने वाले दिनों में कांगड़ा के अलावा देश व हिमाचल प्रदेश के अन्य जिलों में भी चाय की पैदावार हो सकेगी, जिसका ट्रायल शुरू कर दिया गया है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हरिंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि भूखंड प्रदर्शनी और अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन के तहत विभिन्न जिलों में स्थित विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्रों और अनुसंधान केंद्रों मल्ला, कांगड़ा, भट्ठा, भरंडी, सुंदरनगर, बंजोरा व धौलकुआं में चाय बागान लगाने के उद्देश्य से ये पौधारोपण किया जा रहा है। दूर संचार मंत्रालय के सर्वे में खुलासा, हिमाचल के 276 गांव में सिग्नल न होने से नहीं बज रही मोबाइल की घंटी। हिमाचल प्रदेश के 276 गांव आज भी मोबाइल फोन सिग्नल से महरूम हैं। दूर संचार मंत्रालय के सर्वे में यह खुलासा हुआ है। 74 गांवों को इसी वर्ष सिग्नल की सुविधा से जोड़ा जाएगा। शेष 202 गांव में से 84 को क्रमबद्ध तरीके से कनेक्टिविटी दी जाएगी। 118 गांवों के लिए आने वाले दिनों में योजना तैयार की जाएगी। गुरुवार को राजधानी शिमला पहुंचे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई के अध्यक्ष डॉक्टर PD भगेला ने प्रदेश में मजबूत दूरसंचार नेटवर्क के लिए मुख्य सचिव राम सुभग सिंह के साथ बैठक की। चामुंडा में 1 किलो से अधिक चरस बरामद, कुल्लू के 3 लोग गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के सदर थाना धर्मशाला के अंतर्गत कुल्लू के 3 लोगों से 1 किलो से अधिक चरस बरामद की गई है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने चामुंडा में नाकाबंदी की हुई थी। इस दौरान पुलिस टीम ने ईश्वरचंद निवासी खडरागी, प्रताप सिंह निवासी धमियाड़ व धनवंत सिंह निवासी मियागी सभी तहसील बंजार कुल्लू के कब्जे से 1 किलो 666 ग्राम चरस बरामद की है। SP डॉक्टर खुशाल शर्मा ने बताया कि आरोपियों को हिरासत में लेकर मामले में आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उपचुनाव भाजपा प्रत्याशी कुशाल के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस लीगल सेल ने मंडी संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी कुशाल चंद पर सेना के नाम का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए भारत निर्वाचन आयोग से शिकायत की है। अधिवक्ता प्रणय प्रताप सिंह ने बताया कि भाजपा प्रत्याशी कुशाल चंद ने सेना की कैंप और मेडल वाली फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग की वर्ष 2019 की गाइडलाइन में स्पष्ट कहा गया है कि सेना के नाम पर राजनीति नहीं की जा सकती, जबकि भाजपा की ओर से सोशल मीडिया पर प्रत्याशी की सेना की कैंप और मेडल लगी फोटो प्रचारित की जा रही है। अधिवक्ता प्रणय प्रताप सिंह ने बताया कि भाजपा प्रत्याशी ने अपने नाम के आगे ब्रिगेडियर के साथ सेवानिवृत्त नहीं लिखा है। हिमाचल के ऊना की शीतल सैनी बनी सेना में लेफ्टिनेंट। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला मुख्यालय की शीतल सैनी सेना में लेफ्टिनेंट बनी है। टक्का रोड अरिनियाला ऊना की शीतल को दिल्ली में हुए समारोह में लेफ्टिनेंट रैंक से नवाजा गया। साधारण परिवार में जन्मी शीतल की माता कमलेश कुमारी सरकारी स्कूल में अर्थशास्त्र की प्रवक्ता हैं। पिता पवन कुमार राजस्व विभाग में कानगो हैं। शीतल की प्राथमिक शिक्षा लोर्ड कृष्णा स्कूल तथा जमा 2 मेडिकल तक की शिक्षा DAV सेंटनरी स्कूल में हुई। बिना कोचिंग मेहनत से परीक्षा पास कर PGI चंडीगढ़ तथा आर्मी में वो चयनित हुई हैं। हिमाचल में 15 अक्टूबर से होगी धान की खरीद, पंजाब हरियाणा नहीं जाएगी फसल। हिमाचल प्रदेश के किसानों से सरकार शुक्रवार से धान की खरीद शुरू करेगी। कृषि विभाग के पोर्टल पर प्रदेश के 4200 किसानों ने धान बेचने के लिए आवेदन किया है। 2 दिन के भीतर इनका धान मंडियों से आएगा। खाद्य आपूर्ति विभाग और भारतीय खाद्य निगम FCI ऑनलाइन किसानों के खातों में पैसा भेजेगा। किसानों से 1940 रुपये प्रति क्विंटल धान की खरीद की जाएगी। कृषि विभाग ने खाद्य आपूर्ति विभाग को 4000 धन धान की स्टोरेज क्षमता करने के लिए कहा है। खरीद इससे ज्यादा ही होगी। मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने खाद्य आपूर्ति विभाग को धान की खरीद करने के आदेश जारी किए हैं। कृषि हिमाचल में गेहूं बीज 2 रुपये महंगा, सब्सिडी भी हुई कम।
हिमाचल प्रदेश में इस बार एक तो गेहूं का बीज किसानों को 2 रुपए महंगा मिलेगा, ऊपर से सब्सिडी भी 2 रुपए कम कर दी गई है। इससे किसानों को प्रति किलो बीज पर 4 रुपए की चपत लगेगी। इस बार गेहूं के बीज की कीमत 33 रुपए प्रति किलो कर दी गई है, जो कि 13 रुपए अनुदान के बाद किसानों को 20 रुपए प्रति किलो मिलेगा। पिछले साल 15 रुपए अनुदान के बाद 18 रुपए प्रति किलो मिला था। कोरोना काल में किसान वैसे ही आर्थिक मार झेल रहे हैं, ऐसे में अनुदान राशि कम करने से उन्हें और आर्थिकी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कोरोना में कई लोगों के रोजगार छिन गए हैं और वे बेरोजगार होकर घरों में बैठे हैं। हिमाचल में हादसा और टनल में बस और ट्रक की टक्कर, चालक की मौत, 15 यात्री घायल। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर और टनल में गुरुवार रात करीब 8 बजे पंजाब रोडवेज की बस और ट्रक के बीच टक्कर हो गई। इस हादसे में ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। बस सवार 15 यात्रियों को चोटें आई हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को नगवाई सिविल अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद 12 यात्रियों को कुल्लू अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। HPU शिमला BDS की वार्षिक परीक्षाओं के लिए 21 अक्टूबर तक भर सकेंगे फॉर्म। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय HPU शिमला ने BDS की वार्षिक परीक्षा के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। BDS विद्यार्थियों को 21 अक्टूबर तक ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने होंगे। इसके बाद तय दरों के हिसाब से लेट फीस ली जाएगी। वहीं HPU ने MD MS आयुर्वेद की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया। यह परीक्षा 18 अक्टूबर से शुरू होंगी। परीक्षा शेड्यूल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी किया गया है। कोरोना, हिमाचल में 4 संक्रमितों की मौत, 13 विद्यार्थियों समेत 182 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को 4 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई। इसमें जिला कांगड़ा के 63 वर्षीय व्यक्ति, 75 वर्षीय महिला, जिला मंडी की 66 वर्षीय महिला और 68 वर्षीय महिला ने दम तोड़ दिया। वहीं प्रदेश में 182 लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रदेश में कोरोना सक्रिय मामलों का आंकड़ा 1386 पहुंच गया। वहीं अब तक 3,699 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में गुरुवार को कोरोना की जांच के लिए 6,514 लोगों के सैंपल लिए गए। इसके अलावा प्रदेश के सरकारी स्कूलों के 13 विद्यार्थी गुरुवार को कोरोना संक्रमित पाए गए। बिलासपुर में 2, चंबा में 1, कांगड़ा में 6, सोलन में 4 विद्यार्थी संक्रमित पाए गए। गुरुवार को स्कूलों में 8वीं से 12वीं कक्षा के 60% विद्यार्थियों ने ही हाजिरी दर्ज करवाई। हिमाचल में 30 नवंबर और 5 दिसंबर को होगी विज्ञान मंथन परीक्षा। विज्ञान मंथन परीक्षा 3 स्तर पर ऑनलाइन होगी। स्कूल स्तर पर परीक्षा 30 नवंबर और 5 दिसंबर को होगी। विद्यार्थी वेबसाइट www.vvv.org.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। परीक्षा के समन्वयक और विश्वविद्यालय के भौतिकी विज्ञान विभाग के प्रोफेसर शशि कुमार धीमान ने बताया कि राज्य स्तरीय कैंप के लिए हर कक्षा के 20 टॉप रैंकर चुने जाएंगे। पंजाब के युवकों से बरामद की 1.5 किलो चरस। हिमाचल प्रदेश में नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसते हुए जिला पुलिस ने गुरुवार को चरस की एक बड़ी खेप पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस टीम ने भोटा में नाके के दौरान बाइक सवारों के पास 1 किलो 515 ग्राम चरस बरामद की है। वहीं इस बाइक पर 2 युवक सवार थे। नाके को देखकर युवक एकदम जब सहम गए तो पुलिस को शक हुआ। जब बाइक का निरीक्षण किया तो 1 किलो 515 ग्राम चरस बरामद की गई। युवकों की पहचान करण तथा पार्स निवासी जालंधर के रूप में हुई है। हिमाचल यूनियनों की सिफारिश पर नहीं किए जाएंगे कर्मचारियों के तबादले। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी विभागों को निर्देश जारी किए हैं कि किसी असंवैधानिक संस्था की सिफारिश का तबादलों को संबंध में सभी विभागों के सचिवों और विभाग अध्यक्षों व निगम बोर्ड के सचिवों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि वे तबादले के लिए सिर्फ प्रशासनिक कारण को ही आधार बनाए। यह निर्देश हाल में हाईकोर्ट की ओर से एक मामले में सुनवाई के दौरान दिए गए आदेश के बाद जारी किए गए। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।